ढांचा विध्वंस मामले में आज फैसला आएगा। 6 दिसंबर 1992 को जो कुछ हुआ उस पर सीबीआई की विशेष अदालत आज फैसला सुनाने जा रही है, जिस पर पूरे देश भर की नजर होगी। और इसलिए भी होगी क्योंकि देश में कई नामी नेता इस मुकदमे में फंसे हैं। पूर्व उप प्रधानमंत्री लाल कृष्ण आडवाणी, बीजेपी के पूर्व अध्यक्ष और पूर्व केंद्रीय मंत्री मुरली मनोहर जोशी, बताएंगे क्या क्या भूमिका थी, सब स्पष्ट हो जाएगा। आगे रास्ता क्या होगा, अगर सजा होती तो आगे क्या रास्ता है देखा जाएगा। ठीक है।